हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलएड एडमिशन के बारे में, बीएलएड एडमिशन 2021 के प्रोसेस के बारे में कि आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीएलएड के एडमिशन प्रोसेस, इसके कॉलेजेस कहाँ कहाँ से आप बीएलएड कर सकते हैं, इसके बाद इसकी फ़ीस, इसके एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बीएलएड होता क्या है, बीएलएड का मतलब क्या है। तो दोस्तों, बीएलएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो कोर्स है ये 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। और ये कोर्स किस लिए होता है? तो दोस्तों, ये आपका बीएलएड जो कोर्स है ये ग्रेजुएशन लेवल का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें आपको टीचिंग लेवल की चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको टीचिंग के बारे में, बच्चों को पढ़ाने के बारे में सिखाया जाता है। इसमें आपको, अगर आपको एक टीचर बनना है, फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक का अगर टीचर बनना है तो आप ये बीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। अब इस कोर्स के लिए आप कौन कौन से कॉलेजेस दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बीएलएड का कोर्स करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बीएलएड का कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप बीएलएड का कोर्स करते हैं तो बीएलएड का कोर्स करने के बाद आप 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक किसी भी एमसीडी, एनडीएमसी, सर्वोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। आप एज अ टीचर यहाँ पे पढ़ा सकते हैं और किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में। तो दोस्तों, अगर हम इसके कॉलेजेस की बात करें तो इसके कॉलेज टोटल 8 कॉलेज हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। सिर्फ गर्ल्स ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। अगर पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे आता है हमारा अदिति महाविद्यालय, 2nd आता है हमारा गार्गी कॉलेज, 3rd आता है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, 4th आता है हमारा जेसस एंड मैरी कॉलेज, 5th आता है हमारा लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, इसके बाद 6th आता है हमारा माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, 7th आता है हमारा मिरांडा हाउस और लास्ट आता है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो टोटल ये 8 कॉलेजेस दिए गए हैं आपके लिए जहाँ से आप बीएलएड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि इन कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। तो अगर बात करें हम सबसे पहले अदिति महाविद्यालय की तो इसमें टोटल 63 सीट्स दी गई हैं। गार्गी कॉलेज में आपको टोटल 63 सीट्स दी गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में भी आपको 63 सीट्स दी गई हैं। जेसस एंड मैरी कॉलेज में आपको 50 सीट्स दी गई हैं। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें भी आपको 63 सीट्स दी गई हैं। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें आपको 50 सीट्स दी गई हैं। मिरांडा हाउस में 63 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेजेस में भी आपको 63 सीट्स दी गई हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट्स हैं। टोटल आपको इतनी सीट्स मैंने बताई हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के लिए अलग, एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो अदिति महाविद्यालय में सबसे कम फीस है। अदिति महाविद्यालय में 8,710 रुपये आपकी फ़ीस है। गार्गी कॉलेज में 16,485 रुपये आपकी फ़ीस है। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इसमें आपकी 28,890 फ़ीस है। जेसस एंड मैरी कॉलेज में 20,460 आपकी फ़ीस है। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें 19,030 रुपये आपकी फ़ीस है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें 22,825 रुपये इसकी फ़ीस है।
मिरांडा हाउस 19,000 रुपये इसकी फ़ीस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें 17,035 रुपये आपकी फ़ीस है। तो दोस्तों ऐसे आपकी फ़ीस रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं BLED जो कोर्स है इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया होना चाहिए। मतलब आप एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन लेने के वक्त आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आपका BLED का कोर्स 4 ईयर्स का कोर्स है और आप जब ये 4 ईयर्स का कोर्स कर सकते हैं, जब आप ये 4 ईयर का कोर्स आप करते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके 12th एग्ज़ाम में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ये 50% मार्क्स कैसे हों इसके लिए भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। और साथ के साथ आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड होगा। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा यदि आपके 50% मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं 12th क्लास में। और इसके बाद जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज होने चाहिए 12th क्लास में जिससे टॉप 4 के मार्क्स प्लस करने के बाद आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों लिस्ट में से आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज विल बी कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टुगेदर। तो यहाँ पे आपको बताया गया तीनों लिस्ट में से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। इन सब्जेक्ट को चूज करने के बाद आपके जो भी परसेंटेज बनेगी वो 50% होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया है। आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस दी जाएगी। प्रीफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि आपको अपने कॉलेज सीरियल वाइज लगाने की सबसे पहले आप किस में अपनी प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले आप किस में एडमिशन, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको 8 कॉलेजेस के नाम सीरियल वाइज लगाने हैं और सबसे पहले वो आएगा जिसमें आप लेना चाहते हैं। अगर उसमें नंबर ना आए तो सेकंड में आएगा। तो आपको प्रेफरेंस लगानी है 8 कॉलेजेस की 1 by 1। इसके बाद ये बताया गया कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका एडमिशन किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन एडमिशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो एंट्रेंस टेस्ट में जितने भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो उसकी एक मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के बिहा पे आपके एडमिशन होंगे। यहाँ पे दिया गया है कि द एंट्रेंस टेस्ट विल बी द 2 आवर्स ड्यूरेशन। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि विल बी बेस्ड ऑन इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एंड सोशल साइंस अप टू क्लास 10th लेवल। और यहाँ पे आपका क्लास 10th लेवल तक का हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस में पूछा जाएगा। इसमें द एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। देयर विल बी 100 क्वेश्चन, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नो मार्क्स शैल बी गिवन फॉर अ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं अपना एंट्रेंस और हिंदी में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका एंट्रेंस टेस्ट। जब आप एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेंगे तो आपकी मेरिट निकाली जाएगी, जो भी आप स्कोर करेंगे अपने एंट्रेंस टेस्ट में इसके भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था BLED एडमिशन के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे BLED में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जब भी आपके BLED के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 2021 स्टार्ट होता है वैसे ही मैं आपको वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपको अपना BLED का एडमिशन लेना है। तो दोस्तों धन्यवाद।